कामयाब और अक्सर पीडीपी वाले या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये कहते थे कि हमें आजादी चाहिए, तो इन्हें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी से, पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से आजादी मिल गई। ये आजादी की बात बहुत वक्त से कर रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चले बीजेपी के लिए बड़ी बात। और आज जो तस्वीर जम्मू से नजर आई, ये तस्वीर जो है ये जवाब है जम्मू कश्मीर की सियासत का। आज जो शख्सियत जम्मू में बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी है, इनमें आम शख्सियत कोई है नहीं, ये मुश्ताक बुखारी साहब हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बार मेंबर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुश्ताक बुखारी साहब। मुश्ताक बुखारी जम्मू कश्मीर की सियासत में, और सियासत में मुश्ताक बुखारी के साथ आप देख रहे हैं ये शबीर गिलानी साहब हैं। शबीर गिलानी साहब कश्मीर की सियासत में और ख़ासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा की सियासत में, या यूं कहें हमारे जो वहाँ पे जो पीर मुरीदी वाला जो है, या ये ख्वाजा साहब, ये रिटायर्ड डीसी हैं। शबीर गिलानी साहब ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। और फिर ये जो शख्सियात हैं ये आम शख्सियात नहीं हैं। एक तो ये पहाड़ी तबका जो है उनकी बड़ी शख्सियात में शामिल होती है, बड़ा नाम है। और फिर अगर शबीर गिलानी की बात की जाए तो इनका जो हस्ब नसब जिसे हम कहते हैं, उस हिसाब से बड़ा वोट बैंक है, पीर मुरीदी वाला वोट बैंक जो इनका है। ये जो मलंगामी हैं हमारे, उनके रिश्ते में हैं। और फिर ये सारे जो उनका एक इम्पैक्ट है, हमारे बाबा मलंगामीज का उनका एक इम्पैक्ट है पहाड़ी कम्युनिटी पे, गुज्जर कम्युनिटी भी उनका इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है सिर्फ पहाड़ी पे, गुज्जर बरादरी पे भी उनका बहुत इम्पैक्ट है। और फिर ये जो शख्सियात हैं ये जम्मू में आज ज्वाइन करी है, विबोध गुप्ता, अशोक कोल और रविंदर रैना यहाँ स्टेज पर साफ नजर आ रहे हैं। तो इनकी मौजूदगी में ये जो इम्पैक्ट है ये बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले इंतखाबात के लिए, खासतौर पर पुंछ राजौरी में। मुश्ताक बुखारी का एक अपना इम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ फिर बात जब निकल के आएगी तो बात दूर तलक जाएगी। और आज के इसी बड़े मामले पर जम्मू में रविंदर रैना ने मीडिया से बात की तो पता बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जो भी हैं, पता साफ। तो रविंदर रैना ने क्या बताया जरा वो सुनिएगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुश्ताक बुखारी ने भी शुक्रिया अदा किया अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। और ये भी बताया कि 70 सालों में पहाड़ी कौम को कुछ नहीं मिला, और अगर दिया कुछ तो बीजेपी ने दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सब इन्होंने वादे किए, दिया कुछ नहीं। आपको याद दिलाई मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ही नहीं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने यर्गमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। पहाड़ी कबीले के लोग हो, गुजर बकरवाल कद्दी सिप्पी कबीले के लोग हो, या फिर कश्मीरी हो, जम्मू के डोगरे हो, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर, कितने बड़ा से आपने कहा आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया, और उनके साथ यहाँ डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल शबीर गिलानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, ख्वाजा साहब ये रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, जिला तरक्याती कमिश्नर, डीसी जिसे आमतौर पर कहा जाता है, और खुद मुश्ताक बुखारी पहाड़ियों के बड़े लीडरान में इनका शुमार होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में थे, दो बार मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनका एक इलाके में पहुंच है। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि शबीर गिलानी ये बड़े जो पहाड़ी कम्युनिटी के एक बड़े बाबे हैं, बड़े उनकी शख्सियत जो है और उनका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर में है, वो करना में है, वो बउड़ी में है, वो इम्पैक्ट जो है बांडीपोरा में है, और जम्मू के पुंछ राजौरी इलाके में मलंगामियों का इम्पैक्ट है। और बाबा मलंगामी जो हैं
नांगाबाजी साहब के, उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही, उनका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, तो ये इम्पैक्ट जो है ये बहुत आगे तक है। और फिर जब बात की जाती है मुश्ताक बुखारी की तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो ये बड़ा मामला बीजेपी का खित्ते जो पुंछ की सीट है, पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट, ये उसके लिए जबरदस्त यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन है बीजेपी के लिए। जब बाकी लोगों को एसटी दे रहे थे तो हम लोग काम करते हैं उसके लिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जारी की। वाजपेयी मैं हमारे भाजपा टीम है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें अस्थि देकर हमारा